तो ये है मेरा फ्रेंड नितेश, ये काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसको इन्वेस्टमेंट की काफी अच्छी नॉलेज है। तो मेरे पास कुछ रुपए पड़े और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की लाइन में घुसा जाए, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड जो है। आज की इस वीडियो में हम ऐसा बनाएंगे कि कोई भी नया इन्वेस्टर है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसको काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक वे में हम बताने वाले हैं। हम नहीं मतलब इससे पूछने वाला हूँ, मैं खुद मेरे क्वेश्चन है इससे काफी सारे इन्वेस्ट को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। तो नितेश भाई, सबसे पहले ऑडियंस से हाय हेलो नमस्कार जी। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मतलब किसी के पास, जैसे मेरे पास 1,00,000 रुपए है, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, जैसे मतलब आपके पास में 1,00,000 रुपए है, इन्वेस्ट आदमी तब करता है जब उसके पास रेगुलर इनकम हो। समझ रहे हो मेरी बात? पहली तो क्या जरूरत होती है आदमी की, इंसान की जरूरत होती है रोजमर्रा के जीवन। रोजमर्रा के जीवन के बाद में आपके पास कितनी सेविंग्स करने हैं, मतलब आपका कोई टारगेट होगा, फाइनेंशियली गोल होगा, उसके हिसाब से बाद में इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो अब आपके जैसे मतलब रोजमर्रा के कार्य आराम से स्मूथली चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, पूरी बिजनेस फैमिली है आपकी, ठीक है। तो अभी आप जैसे मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज में, मतलब इन्वेस्टमेंट की लाइन में या इस फाइनेंशियली नॉलेज के अंदर घुसना चाहते हैं कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, और मतलब कि मेरा रिस्क भी कम हो, क्योंकि इन चीजों का नॉलेज नहीं होता तो आदमी वहीं घुसना चाहता है जहां पे रिस्क कम हो, ठीक है। और आरडी एफडी का सबको पता है, आपको इनसे बेटर रिटर्न्स दिए, इसलिए आपने मतलब इस बारे में मेरे से पूछने की पहल की है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मतलब कि फाइनेंशियल गोल क्या आपके? फिर फाइनेंशियल जैसे कि मेरे पास रेंडमली 1,00,000 रुपए आए हुए हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब नॉर्मल कहाँ उसको इन्वेस्ट किया जाए, उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में लगाया जाए या फिर कोई स्टॉक परचेज किया जाए, उस अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। वो इन्वेस्ट करने की बात आती है तो यहाँ पे ये चीज आती है कि एक तो आप जो सेविंग्स है उसको कितने लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो, मतलब कि सबसे मेन चीज ये रहती है कि आप कब तक उस मनी को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें जैसे अलग अलग प्लान होते हैं, म्यूचुअल फंड की ले लो, म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स आ गया, स्मॉल कैप आ गया, डेब्ट फंड आ गए, ठीक है, और जैसे गोल्ड बॉन्ड आ गया, अलग अलग चीजें। आप कौन से के अंदर मतलब कि सहूलियत आपकी है कि आप 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि अपन 1,00,000 ही करें, उसके बाद में धीरे 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 उसको बढ़ाना भी हर मंथ थोड़ा 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 इन्वेस्ट करता रहे, ठीक है। तो आप मतलब ऐसे नहीं करना चाहते, SIP तो ऐसे हो गया कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके अंदर जैसे मंथली कुछ सेविंग्स का एक पार्ट होता है जो अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे आप 1,00,000 रुपए की बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो नॉर्मली लोगों के लिए बेस्ट रहता है, अगर किसी के पास 5,00,000 है, 1,00,000 है, 2,00,000 है और उनके यूज भी नहीं है रही, वो सोच रहे हैं कि मैं हाँ ठीक है होल्ड कर सकता हूँ लंबे टाइम के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए कि आप उस पैसे को डेब्ट फंड के अंदर डाल दो। डेब्ट फंड क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। डेब्ट फंड वो होता है जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड आ गए, कॉर्पोरेट कंपनियों के बॉन्ड आ गए, उनमें क्या है रिस्क रहता है ना के बराबर, और उस रिस्क में क्या होता है कि एक तरह इंटरेस्ट मिलता है जिसे FDRD के अंदर नहीं मिलता क्या, उसकी तरह मिलता है और मंथली मिलता है, लेकिन उनसे काफी बेस्ट मिलता है अगर मार्केट यानी इकोनॉमी परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो उनके अंदर और भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और लोग पता है जिनको मतलब म्यूचुअल फंड सब लोग करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर नॉलेज की कमी के कारण वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। मतलब उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे मतलब उन अपॉर्चुनिटीज को कैच कर सकते हैं। इसका म्यूचुअल फंड का भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक तो होता है मंथली SIP, अपन को उसमें नहीं जाना, हर महीने थोड़ा हर महीने थोड़ा और उसमें कंप्लीट होने के बाद में वो 20% कटता है, वो अलग। नहीं, वो 20% नहीं कटता, वो टैक्स डिडक्शन तो होता है, वो तो अलग है, लेकिन अपन ने जैसे 4 साल की या 5 साल की, 3 साल से कम मेरे हिसाब से बहुत कम म्यूचुअल फंड है जो नहीं देते, उनपे क्या है कि एंट्री लोड लगता है 2% तो, और 4% एग्जिट लोड लग जाता है अगर आप टाइम से मैच्योरिटी से पहले निकालते हो तो। तो 6% का तो लॉस अपना वैसे हो गया, अगर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके 98,000 इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। SIP में क्या होता है, मंथली आपको करना पड़ेगा, आपकी SIP भी हो जाए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, दोनों ऑप्शन हो जाए, इसके लिए मैं आपको बेस्ट चीज बताता हूँ। जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अपन ने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 5,00,000 रुपए, अपन वो डालेंगे किसमें, वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर डेब्ट फंड के अंदर। अब डेब्ट फंड क्या हो गया कि अपना एकदम जीरो रिस्क समझ लो इसको, मतलब म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट के मुकाबले बहुत कम रिस्क है इसके अंदर, इंटरेस्ट कम मिलेगा इसके अंदर लेकिन फिक्स मिलेगा, ये चीज है। तो इसके अंदर डेब्ट फंड में डाला, 12 महीने का लॉकिंग पीरियड कर दिया अपने, 12 महीने मिनिमम लॉकिंग पीरियड, इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना है, इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना। उसके बाद में मैं जो आपको मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनना, फिर आता है इसका सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, उसको बोलते हैं STP। एक तो होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो हो गया SIP, वो नहीं करना था तो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद के अंदर STP प्लान चालू करना है। उसमें क्या होगा कि जो आपको
वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्या है कि टुकड़ों के अंदर अपन एक हाई इक्विटी रिस्क के अंदर डाल देंगे, एक लो इक्विटी रिस्क के बेटर देन एफडी वगैरह जैसे फंड के अंदर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल पर 5,000 किया आपने, उसका 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 महीने बाद में जो आपकी अमाउंट है उसका इंटरेस्ट मिलके जुड़ जुड़ा के मतलब 5,000 से प्लस आएगा, अगर उसको बोलते हैं अपन मतलब कि 12% यानी 1 रुपया सैकड़ा अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर ब्याज के हिसाब से हो गया, ब्याज के हिसाब से हो गया। अब उसके अंदर क्या है इंटरनल फंड ट्रांसफर चालू हो जाएगा कि जो आपका लॉकिंग अमाउंट है उसका जो ब्याज मिलेगा उससे SIP चल रही है आपकी। अच्छा, मतलब जो पैसा पड़ा है वो तो पड़ा ही है और जो इंटरेस्ट है उससे आपकी SIP हो गई। अब मैं बताऊं वो SIP अगर आप रेगुलरली 15 साल तक करते हो, अगर होल्ड रखते हो, तो वो अमाउंट आपका 15 या 20 साल के अंदर 50 लाख बन जाएगा, वही 5 लाख और वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया। मतलब अपना मूल रकम तो पड़ा ही है और जो इंटरेस्ट होगा उसका SIP हाँ, इसका SIP होगा। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपको एक्स्ट्रा मतलब वो लेना है कि अगर आप एक्टिव इनकम है आपकी और आप अभी मतलब एनर्जी खूब है शरीर के अंदर, 30-35 साल तक की उम्र तक कमाने की एनर्जी रहती है, तब तक आप ये वाली चीजें है ना सेविंग्स की शुरू करो। उसके बाद में उसको बोलते हैं SWP, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आपने 5 या 10 लाख रुपए होल्ड कर दिए, उसके बाद में STP स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में आप SWP करोगे, यानी 15 साल स्टेकिंग के बाद के अंदर आप अपना अमाउंट विड्रॉल करोगे, मेरे को हर महीने इतना करना है। तो मतलब वही 5 लाख आपका 50 लाख तो 15 साल के अंदर बन गया, फिर मंथली आप 50,000 भी विड्रॉल करोगे तो जब तक आपका टोटल अमाउंट विड्रॉल होगा तब तक आप 60 से 65 लाख रुपए का विड्रॉल ले चुके होंगे एक मंथली सैलरी के हिसाब से। और अदरवाइज आप अपनी जेब से या मतलब अपनी सेविंग से या इनकम से एक पार्ट है SIP के लिए बचाओगे, उससे बेस्ट ऑप्शन ये है। इसके माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल गोल्ड है ना वो गोल सॉरी वो सेट कर सकते हो। आपको गाड़ी लेनी है तो 5 साल के लिए SIP कीजिए, फिर उसके अंदर मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP स्टार्ट कीजिए। जब तक आपकी वो गाड़ी की किस्त ठीक है पूरी नहीं चूक जाती तब तक सिस्टमेटिक वो मतलब विड्रॉल प्लान भी चालू रहेगा और आपकी SIP भी चालू रहेगी। लेकिन उसमें एक शर्त होती है, उसमें अगर फाइनेंशियल गोल को पूरा करते हैं ना तो उसमें एक शर्त ये होती है कि हर साल आपको 5% इंक्रीमेंट करना है अपनी SIP में। उसके बाद में आप अपने फाइनेंशियल गोल है उसके अकॉर्डिंग अपन जैसे ये 10,000 की SIP करवा रहे हैं तो अपन 20,000 की EMI की गाड़ी ले सकते हैं 10,000 की SIP से। दोनों अलग अलग चीज हो गई, एक तो मैंने बता दी सेविंग्स के लिए, दूसरी चीज फाइनेंशियल गोल्स के लिए बता दी। और अब किसी को जैसे स्टॉक में घुसना हो कि जैसे 1 लाख रुपए पड़े हैं और उसको स्टॉक में लेना हो तो कैसा क्या होगा? अब स्टॉक में लेने हैं तो जैसे मतलब स्टॉक